बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जाम यू खरीद। आप देख रहे हैं शाहिद इकबाल यूट्यूब चैनल में, आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल अपने चैनल में वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मायर इमिग्रेशन भी है जो इनलीगल इमिग्रेंट्स के हक में बातें कर रहे हैं। रोमाना कौसर एक बहुत ही बड़ी सोलिसिटर हैं यूके में, और बहुत सारे केसेस उन्होंने जो है हल किए हैं। तो इस वक्त उनका ख़ास इंटरव्यू आपके साथ शेयर किया जाएगा, और ख़ास तौर पर असाइलम सीकर के हवाले से उन्होंने बहुत ही अहम पेशरफ जाहिर की है। तो मुकम्मल वीडियो को देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दी गई वेबसाइट महमूदिया ट्रैवल डॉट कॉम को भी ज़रूर से ज़रूर विज़िट दोस्तों किया करो। इसके साथ वीडियो दूसरे लोगों में ज़रूर शेयर किया करो। ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो हमेशा की तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इंटरव्यू सुने और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज। बरतानवी होम ऑफिस असाइलम सीकर्स के लिए नए कानून के मुताबिक बरतानिया में कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले और एंट्री पॉइंट्स पर इजहार करने वाले अफराद की दरख्वास्त असाइलम मंजूरी की जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस के मुतालिक दरख्वास्त गुजार किसी भी वक्त अपने स्टेटस तब्दीली की दरख्वास्त दे सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार बरतानवी कानून के माहिर रोमाना कौसर ने करते हुए कहा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जी, रिसेंटली होम ऑफिस जो सेक्रेटरी है उसने मतलब रिसेंट अनाउंसमेंट्स की थी कि जो असाइलम पॉलिसी है उसको रिव्यू कर रहे हैं। तो उसमें जैसे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो पॉलिसी है उसको रिव्यू कर रहे हैं। सो उसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो जो रेज किया गया है वो ये है कि जो असाइलम सीकर्स होते हैं उनकी एप्लीकेशन कैसे डिसाइड होगी, मतलब अप्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इसमें जरूर देखेंगे कि एप्लीकेंट ने एंट्री जो यूके में की है वो कैसे की है। सो फॉर एग्जांपल, नॉर्मली जो असाइलम सीकर्स होते हैं वो यूके में ट्रैवल करके आते हैं बाय लॉरी और बाय कार और इलीगल तरीके से, जो भी डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो चैनल के थ्रू वो नहीं आते। मेनली जो असाइलम सीकर्स हैं वो इसी रूट से आते हैं। तो जो होम ऑफिस सेक्रेटरी ने जो अनाउंस किया है कि जो रिव्यू करेंगे हम, वो फ्यूचर में ये देखा जाएगा कि एप्लीकेंट किस तरीके से आया है, विच इज अ बिट अनफेयर बिकॉज जो मोस्टली जो असाइलम सीकर्स होते हैं उनके पास राइट वीजा नहीं होता एंटर करने के लिए लीगली। सो इससे काफी एप्लीकेंट्स को इन फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है, विच विल बी क्वाइट अनफेयर। जो जेन्युइन असाइलम सीकर्स हैं, जो यू नो रेफ्यूजीज सीख कर रहे हैं इस कंट्री में आने के लिए, ये कंफर्म नहीं कर रहे कि जो लीगल एंटर हो रहे हैं उन्हीं को मिलेगा असाइलम, लेकिन ये एक पॉलिसी में वो एक ऐड कर रहे हैं कि वो ये देखा जाएगा कि वो किस तरीके से एंटर हो रहे हैं। मतलब जो असाइलम जो पॉलिसी है दूसरी चीजें भी उसमें देखी जाती हैं पहले से ही। फॉर एग्जांपल कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी कंट्री से आपको सपोर्ट मिल सकती है कि नहीं, इस तरह की चीजें जो असाइलम की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसमें भी ये एक एडिशनल वो ऐड करना चाह रहे हैं, जो कि ये प्रूफ करने के लिए काफी मुश्किल होगा लोगों को, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज अ स्टूडेंट या विजिटर और यू नो बिजनेस वीज आप जिस तरीके से अब वीजा लेके आएंगे तो वो तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज असाइलम की एक और रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप एट पोर्ट ऑफ एंट्री आप डिक्लेयर करें कि आप असाइलम करना चाह रहे हैं। तो उस तरीके से तो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बन जाएंगी लोगों के लिए। आप जब एंटर कर रहे हैं यूके में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आए हैं या विजिटर आए हैं, एयरपोर्ट पे ही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डिक्लेयर करें कि आपकी इंटेंशन क्या है यूके में आने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई विजिट वीजा लेके किसी भी तरीके से आ गया है यूके में और एंट्री पे उनको बताना चाहिए कि उनकी इंटेंशन क्या है, वो विजिट करने नहीं आए, मतलब उन वो लॉन्ग टर्म असाइलम एज अ रेफ्यूजी सीख करने के लिए आए हैं। तो ये रिक्वायरमेंट तो पहले से ही थी, लेकिन अभी ये मुश्किल होगा बिकॉज जो एंट्री करेंगे लीगल तरीके से तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा असाइलम अप्लाई करना। असाइलम कैटेगरी जो एंट्री क्लियर जो असाइलम पॉलिसी के ऊपर अप्लाई करते हैं उसमें डोमेस्टिक वायलेंस जो कोई सफर करता है अपनी बैक होम कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, उसके बेस पे असाइलम लोगों को यहाँ पे मिलता है, वो एक अलग कैटेगरी है। सो वो सेपरेट है कि अब कि अपनी कंट्री में आपने डोमेस्टिक वायलेंस सफर किया है तो इसकी वजह से आपको असाइलम यहाँ पे चाहिए यूके में। सो ये भी अंदर असाइलम पॉलिसी में आता है, लेकिन जो अगर आप देखें यहाँ
पे जो स्पाउस वीज़े फॉर एग्जांपल स्पाउस बेसिस पे आते हैं उनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो डिफरेंट पॉलिसी में आ जाता है. सो यहाँ पे जो यूके में मतलब रिसेंटली लॉकडाउन के ड्यूरिंग द लास्ट वन ईयर हमारे साथ अपने काफी क्लाइंट्स जो हमें इन्फॉर्म मतलब जो केसेस हम इस टाइम हैंडल कर रहे हैं काफी लोगों के साथ डोमेस्टिक इश्यूज हुए हैं नॉट जस्ट लाइक डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए हैं काफी फैमिलीज को. तो उस वजह से फैमिलीज काफी ब्रेक डाउन हुई है यूके में. सो इसका काफी रिजल्ट्स भी आए हैं. सो इसकी इस स्पेस पे हमने देखा जो स्पाउस वीजे पे जो एंट्री करके आते हैं यूके में उनके लिए ऑप्शंस होम ऑफिस ने मतलब काफी गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं कि जो यूके में आके सफर करेगा डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटल टॉर्चर या कोई भी अब्यूज अपने पार्टनर से तो उसके लिए प्रोटेक्शन मिलता है होम ऑफिस से. ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अप्लाई करना चाहिए जब आप सफर करें डोमेस्टिक वायलेंस आपको होम ऑफिस के थ्रू आप सेटलमेंट के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता. तो जब अगर आपने ये सफर किया है या कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम हुई है फैमिली में देन आप डायरेक्टली इनडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं. इट डजंट मैटर हाउ लॉन्ग आपका वीजा है. सो फॉर एग्जांपल 5 इयर्स इन जनरल स्पाउस वीजा में आपको कंप्लीट करने होते हैं. सो वो आपको वेट नहीं करना होता कि आप कंप्लीट करें 5 इयर्स. सो फॉर एग्जांपल 2 साल के बाद भी अगर कोई सफर करे डोमेस्टिक वायलेंस देन आपके पास ऑप्शन होता है सेटलमेंट अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली होम ऑफिस में. इसमें होम ऑफिस ने काफी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स रखी हैं तो ताकि जो जेन्युइन केसेस हो वो फिल्टर हो सके कि जो वाकई सफर कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस वो इस कैटेगरी में फॉल हो. मेनली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको एविडेंस दिखाना होता है कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस सफर किया है. इस एविडेंस ये एविडेंस हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जीपी रिपोर्ट आप कोई मेडिकल रिपोर्ट अगर आपको जैसे सिवियर इंजरीज आई हैं आप किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा आपको मेडिकल रिपोर्ट ये सारी इंफॉर्मेशन कवर करता है. एंड एट द सेम टाइम जो अगर मेंटल टॉर्चर किसी के साथ हुआ है अब्यूज हुआ है तो इसके लिए भी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट बन जाती हैं. सो वो भी यूज कर सकते हैं. एंड इसके अलावा काफी लोग जो ऐसे सफर करते हैं डोमेस्टिक अब्यूज पुलिस इन्वॉल्व होती है. सो यूके में जो जैसे लाइक पुलिस रिपोर्ट बनती है अगर आपने किसी पुलिस को इन्वॉल्व किया हो अपनी सिचुएशन में तो वो रिकॉर्ड आ जाता है कम्युनिटी ऑफिसर्स के साथ. अब वो भी रिकॉर्ड और एविडेंस यूज कर सकते हैं दिखाने के लिए. इसके अलावा और भी जैसे फैमिली फ्रेंड्स से आप रेफरेंस ले सकते हैं आप कम्युनिटी वर्कर सोशल वर्कर जो भी इन्वॉल्व हो आपके केस में स्पेशली अगर बच्चे हों केस में तो दूसरी जैसे सोशल वर्कर से भी आप एविडेंस ले सकते हैं.